إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك وطاعتك اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين لائق صد احترام قابل صد اكرام علي وقار مشاهدين ومشاهدات سامعين وسامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہمارا موضوع سخن ہے क्या ईमान में कमी बेशी होती है। दीदी भाइयों, इस्लामी माँ बहनों, ये हकीकत हमेशा आपके जहन में पत्थर में नक्श की तरह सबत रहे कि ईमान में कमी बेशी मुमकिन है, यानी ईमान बढ़ता है तो घटता भी है। सवाल ये पैदा होता है कि ईमान किन कामों से बढ़ता है और किन आमाल से घटता है। ईमान नेकी के कामों और शैतान की नाफरमानी और रहमान की इताअत वाले आमाल से बढ़ता है। ईमान गुनाहों के कामों से, शैतान की इताअत से, नाफरमानी वाले आमाल से घटता भी है। मेरे भाइयों और बहनों, ईमान बसीत नहीं है, यानी कोई ऐसी अकाई नहीं जो नाकाबिल तकसीम हो या नाकाबिल तज्जिया हो। ईमान कोई जामिद या साकिन चीज भी नहीं है, बल्कि उसमें इन्हिताब भी होता है और तरक्की भी होती है। ईमान में इजाफा भी होता है तो कमी भी आती है। जिस तरह से ईमान में ज्यादती को कबूल करने की इस्तेदाद होती है, काबिलियत होती है, सलाहियत होती है, उसी तरह ईमान में कमी और नस को कबूल करने की इस्तेदाद भी होती है, काबिलियत भी होती है और सलाहियत भी मौजूद है। इस सच्चाई को, इस मुसल्लमा उसूल को अपने दिल में अच्छी तरह से बिठा लें। जो चीज घटती है तो बढ़ भी सकती है और जो चीज ज्यादा हो सकती है तो घट भी सकती है। अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के जो वाज़ह दलाइल हैं,
उससे बात साबित शुदा है या तस्लीम शुदा है कि ईमान कौल अमल का नाम। अब जब ईमान में अमल दाखिल और शामिल है तो फिर यकीनन ये कोई जामिद और साकिन चीज नहीं है, बल्कि इसमें हसब आमाल ईमान में कमी बेशी होती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान जब कोई नेक अमल अंजाम देता है, अमल सालेहा बजा लाता है, तो अल्लाह की तरफ उसकी रगबत और तवज्जो यकीनन बढ़ती है, उसको इबादतों में लुत्फ आता है, उसमें मजीद नेकियों का शौक पैदा होता है और रगबत बढ़ते जाती है और वो अपने अंदर ईमानी कुव्वत महसूस करता है। इसी तरह जब इंसान बुरे अमाल का इर्तिकाब करने लगता है तो मजीद बुरे काम उसके लिए आसान से आसान तर होते चले जाते हैं और उस वक्त उसका ईमान इंतहाई कमजोर हालत में होता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर उसने अपने ईमान की तरफ तवज्जो नहीं दी, तौबा नहीं किया, तो जिस इस्लाम को लेके वो कलिमा पढ़ा था या कलमे पढ़ने के बाद जो इस्लाम उसको नसीब हुआ था, जो ईमान उसे मिला था, उससे भी वो हाथ धो बैठता है। दीनी भाई और इस्लामी मां बहनों, मैंने जैसा कि गुज़श्ता दस में भी आपके सामने जिक्र किया था, ताज्जुब और अफसोस अवाम अंदाज पर नहीं है, बल्कि हैरत तो उन बड़े बड़े मशाइख जो अपने नामों के सामने शेखुल हदीस का लकब लगाते हैं। कुरान मजीद की बेशुमार आयतों के आयतें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस का एक अंबार उनके सामने होने के बावजूद ये उनको मानने तैयार नहीं है कि ईमान में कमी बेशी होती है, ईमान में इजाफा भी होता है, ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। ऐसे बड़े बड़े शेखुल हदीस के इल्म का कमाल यही है कि वो उल्टी सीधी तावील करके वो साबित कर देते हैं कि तमाम मुसलमानों का ईमान एक साथ बराबर है, बल्कि तमाम मुसलमान तौहीदर ईमान में एक साथ बराबर हैं। वजह सिर्फ ये है कि उनके किसी बुजुर्ग ने यह कह दिया कि ईमान घटता और बढ़ता नहीं, ईमान में ज्यादती हो सकती है ना कमी वाकई हो सकती है। अब एक सवाल आपके ध्यान में यह आ रहा होगा, जब ईमान बढ़ता है और घटता भी है तो ईमान में इजाफा और ज्यादती, कमी और नुकसान किस किस पहलू से होती है? तो इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन रहे आपके रखें कि सारे मुसलमान ईमान और इस्लाम में बराबर नहीं होते, किसी का ईमान और इस्लाम ज्यादा पुख्ता कभी होता है तो किसी का कम, कभी ईमान इस्लाम में ये कमी बेशी तो दिल में जो मौजूद शुरूरी और यकीनी कैफियत होती है उन कैफियत की कमी बेशी की वजह से भी होती है और कभी अमल की कमी बेशी की वजह से भी होती है। और ये ईमान में कमी बेशी कभी गैबियात के जिन उमूर पर हमें ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, मोमन भी ही कहते हैं उसको, उसके एतबार से भी होती है। अब जिन अमाल का ईमान की कमी बेशी से ताल्लुक है, अच्छी तरह याद रखिए, वो दो किस्म के अमाल हैं, बदनी अमाल और माली अमाल। बदनी अमाल से भी आदमी का ईमान बढ़ता है, उसमें इजाफा होता है, उसमें तरक्की होती है, और बदनी अमाल से आदमी का ईमान घटता भी है, और इसी तरीके से माली अमाल से भी। ईमान में अमाल के लिहाज से ही ज्यादती नहीं होती, बल्कि दिल की जो तस्दीक और उसमें यकीन की जो कैफियत होती हैं, उसके लिहाज से भी आदमी के ईमान में कमी और बेशी होती रहती है। कभी आदमी के दिल का यकीन का हाल ऐसा होता है कि आदमी अपने सब कुछ जान माल वक्त मफादात ख्वाहिशात की कुर्बानी हर चीज अल्लाह के नाम में लुटा देने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी इस यकीन में ऐसी कमी वाकई होती है
कि इस्लाम कबूल करते वक्त जो ईमानी सरमाया उसे हासिल हुआ था वो भी खतरे में पड़ जाता है। तो मालूम हुआ कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है, और ईमान में इजाफा भी होता है तो कमी भी होती है। गुज़िश्ता दर्स में वीडियो नंबर 7 में हमने किताबुल ईमान में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है, बाब ज़ियादतुल ईमान व नुकसान, ईमान की कमी बेशी का बयान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें हस्ब आदत 3 कुरानी आयतों का तज़किरा किया है और 2 हदीसें जिक्र फरमाए थे, उन हदीसों का हमने आपके सामने पेश किया था। और उस वक्त आपको बताया था कि ईमान की कमी बेशी कई एतबार से होती है, तो एक कमी बेशी यकीन और तस्दीक के लिहाज से होती है, तो दूसरी कमी बेशी अमल की वजह से होती है, और तीसरी कमी बेशी मुमन बिही जिस पर ईमान लाया जाना चाहिए, गैब अल्लाह की जात से लेकर जन्नत और दोजख के तमाम उमूर पर हमारा जो ईमान होना चाहिए उसकी वजह से भी ईमान में कमी बेशी होती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस बाब से मकसद ही ये मैंने आपको बताया था कि ईमान हर लिहाज से, आमाल के लिहाज से, दिल में मौजूद यकीनी कैफियात के लिहाज से, हर लिहाज से कमी बेशी को कबूल करता है। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक और बाब कायम किया है जो आज हमारे दर्स का उनवान है, बाब तफाज़ुल अहले ईमान फिल अमाल, अहले ईमान का अमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना, ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना यह मुमकिन है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हसब आदत अपने इस बाब को के तहत पुरानी आयात को पेश नहीं किया, सिर्फ 2 हदीसों का तज़किरा किया है और सही बुखारी में बहुत नादिर, बहुत कम हुआ है, और ना हर बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब से मुतालिक 1-2-3 आयात का इंतखाब करके पेश करते हैं फिर अहादीस लाते हैं। आज के इस हदीस को आपके सामने पेश करते हैं। पहली हदीस है आज की, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. أخرج البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान के अलावा 6 और मकामात पर जिक्र किया है। किताबुल तफसीर में 2 मकामात पर जिक्र किया है और किताबुल रकाक में 3 मकाम पर जिक्र किया है। किताबुल रकाक में 4 मरतबा इस हदीस को लाए हैं। किताबुल तौहीद में 2 मरतबा इस हदीस को इमाम बुखारी लाए हैं। मुख्तलिफ हर जगह अलग बाब में अलग सनद के साथ लाए हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल फरमाएंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे जो जल कर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया था तो ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्हें शक होने की वजह से उन्होंने नहरुल हयात या नहरुल हयात कहा, तो उस वक्त वो दाने की तरह उगेंगे जिस तरह के नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल
पेश दर पेश निकलता है। तो गैर के इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले ईमान के ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना मुमकिन बताया है, अहले ईमान का आमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना साबित किया है। एक दूसरी हदीस इमाम बुखारी ने इस बरसी बाब के तहत हजरत अबू से, वो भी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी सईद बिन खुदरी रजी अल्लाह अन्हु यकूल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قوس منها ما يبلغ الهدي منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين أخرج البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अल ईमान के अलावा पांच अबवाब में जिक्र किया है, पांच अलग किताबों में, किताब फजाइल अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब मनाकिब उमर इब्न खत्ताब, दूसरी जगह किताब तागीर में, तीसरी जगह किताब तागीर में, चौथी जगह तब वो भी तकरीबन चौथी जगह भी किताब तागीर में अलग अलग अबवाब कायम किए हैं इस हदीस पर इमाम बुखारी ने। और दोनों हदीसों को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला ने भी जिक्र किया है। इस हदीस का तर्जमा यह है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दिन की बात है कि सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कमीज यानी कुर्ता पहने हुए हैं, हर एक का किसी का कुर्ता सीने तक है तो किसी का उससे नीचे है, फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए, पेश किए गए, उनके बदन पर जो कुर्ता था वो ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा था, उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन तक नीचे था। सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह इसकी क्या ताबीर है, फमा अव्वलत दालिक, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन, इससे मुराद दीन है। तो मेरे दीनी भाइयों, इस हदीस से भी दीन और ईमान में कमी और ज्यादती को इमाम आमाल में, आमाल की वजह से दीन और ईमान में कमी और ज्यादती को इमाम बुखारी ने साबित किया है कि अहले ईमान आमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होते हैं। जब एक दूसरे से आमाल के लिहाज से अफजल हुए, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन हजरत उमर से अफजल थे, हजरत उमर हजरत अली और उस्मान से अफजल थे, हजरत उस्मान हजरत अली से अफजल थे। यही हम सब का अकीदा है कि अहले ईमान अशर मुबशरा दीगर सहाबा से अफजल थे। बहर के इन अहादीस के फवायद हमारे जब हम अहादीस की दलायल से ईमान की कमी बेशी को साबित करेंगे तो उस वक्त इसके फवायद बयान करेंगे। अब चलिए कुरान मजीद की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि ईमान में कमी बेशी के लिए जो दलायल दिए गए हैं आपको याद होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हमने सही बुखारी की किताब अल ईमान शुरू किए थे उस वक्त इमाम बुखारी ने किताब अल ईमान के आगाज में एक दावा ये किया था कि अल ईमान कौल व अमल यजीद व यनकुस, तो उसका मतलब ये था कि ईमान में ईमान ज्यादा भी होता है और कम भी हो जाता है, क्योंकि ईमान बसीत नहीं है, वो एक मुरक्कब और ज़ी अज़ा चीज है, तीन चीजों से मिलकर बनी, जिसमें इकरार लिसानी ईमान की सही तारीफ के तीन अरकान हैं, इकरार लिसानी, तस्दीक कल्बी और अमली सबूत। जब ये तीन चीजों से मिलकर बना है तो यकीनन कभी अमल की वजह से ईमान में ज्यादती होती है और कभी अमाल की वजह से कमी भी आती है।
तो मैंने कि इस मौजू से मुताबिक मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तीन मकाम पर सही बुखारी में ईमान की कमी बेशी के मसले से मुताबिक बहस किया है, किताब ईमान के आगाज में, फिर दो मुस्तकिल अबवाब कायम करके, एक बाब ज़ियादत ईमान व नुकसानी, दूसरा बाब तफ़ाज़ुल अहले ईमान फिल आमाल। तो बरकत दोनों अबवाब में दो दो हदीसें इमाम बुखारी लाए हैं। पहले बाब में इमाम बुखारी ने कुरान मजीद की तीन आयतें पेश की हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ सही बुखारी में ईमान और अकीदे से मुतालिक बयान किया है यही तमाम असलाफ उम्मत का मौकिफ और मसलक है। यही वजह है आपको बार बार हम आपके सामने कहते हैं, जिसको इमाम अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में जिक्र किया है इमाम बुखारी के ताल्लुक से सही सनद के साथ। इमाम बुखारी एक मकाम पर कहते हैं कि मैंने आलम इस्लाम के मुख्तलिफ शहरों के 1000 से ज्यादा उलमा और मुहद्दिसीन से मुलाकातें की, और इमाम बुखारी के जो बड़े बड़े मशायख असातिज़ा थे वो 1086 मशायख थे। वो कहते हैं कि मैंने 1000 से ज्यादा उलमा और मुहद्दिसीन से मुलाकातें की, वो सब इस बात के कायल थे कि ईमान में कमी बेशी होती है, ईमान कौल अमल का नाम है। तमाम सहाबा इकराम, तमाम ताबीन, तबे ताबीन, अइमा दीन का भी यही अकीदा था। अलबत्ता ईमान अकीदे के बाद में कुछ गुमराह फिरके हैं, जैसे मुर्जिया है, मुर्जिया में 10 फिरके हैं, उसमें करामिया सबसे ज्यादा गुमराह में आगे बढ़े हुए हैं। और मुर्जिया में जब बहुत इख्तलाफ हुआ तो उनको दो गिरोह में तकसीम किया गया, तकसीम हो गए, एक अहले बिदात और एक अहले सुन्नत। फिर जहमिया, मुतजिला, अशायरा, खवारिज, रवाफिज, इन सब को इमाम बुखारी से इख्तलाफ। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी की किताबुल ईमान में जो अनामीन जो अबवाब कायम किए हैं उनसे इन्हीं बिदाती फिरकों की तरदीद करना मकसूद है, अच्छी तरह से याद रखें। तो इस मसले में भी इमाम बुखारी हक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही है। मदीना यूनिवर्सिटी के एक काबिल एहतराम लेक्चरर फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल रज़ाक बिन अब्दुल महसिन हमदुल अब्बार अल बद्र, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको मैंने गुज़श्ता और वीडियो में दिखाया है, वीडियो नंबर 7 में, ज़ियारतुल ईमानी व नुकसानु व हुक्मुल इस्तिस्नाई फी, ये एक इल्मी रिसाला है। एमए और पीएचडी करने के लिए जैसे रिसाले लिखते हैं वैसा एक इल्मी रिसाला है। तो उसमें ईमान में कमी बेशी और ज्यादती और नुकसान के मसले के बारे में उन्होंने खूब बहस की है और कुरान मजीद से 12 किस्म के दलाल जिक्र फरमाए हैं। 12 दलाल नहीं, 12 किस्म के दलाल। पहली किस्म में 6 आयतों का तज़किरा किया उन्होंने और सही अहादीस में से 20 अहादीस को बतौर दलील पेश फरमाया है। चलिए हम पहली किस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, ईमान में इजाफा और कमी या ईमान में कमी बेशी ज्यादती और नुकसान के दलाइल की पहली किस्म में फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अल बद्र ने ऐसी आयत कलिमात का इंतखाब किया है जिनमें ईमान में कमी बेशी ज्यादती और इजाफे की सराहत पाई जाती है। ईमान में कमी बेशी और ज्यादती और इजाफे की जो सराहत है कुरान मजीद में 6 मकामात पर उनका तज़किरा है, उनमें से बहुत से मकामात का तज़किरा इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में भी किया है। पहली आयत सूरह आल इमरान के आयत नंबर 173 है, 173। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ف
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. वो लोग के जब उनसे कहा, लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले में लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम उनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे हमें अल्लाह काफी है, हस्बुनल्लाह, और वो बहुत ही अच्छा कारसाज है, वनियमल वकील. ये जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 है, ये आयत बसराहत इस मौकिफ को साबित करती है कि ईमान बसीत नहीं है बल्कि मुरक्कब है. ईमान कोई नाकाबिले तकसीम या नाकाबिले तज्जिया अकाई नहीं है, या ईमान कोई जामिद किस्म की चीज नहीं है, बल्कि ईमान एक मुतहरिक चीज है जिसमें इजाफा और ज्यादती होते रहती है, उसमें कमी बेशी आते रहेगी. इस आयत के जरिए इसी हकीकत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साबित करना चाहते हैं. इस आयत के बारे में इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर फतहुल कदीर 5 जिल्दों में मारूफ तफसीर है इल्मी हलके में, वो कहते हैं कि इस आयत में दलील मौजूद है कि ईमान में कमी बेशी होती है. इसी तरह से अहसनुल बयान एक नहायत मुख्तसर और बड़ी खूबसूरत तफसीर है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका अभी चंद महीने पहले करीब में इंतकाल हुआ. वो कहते हैं कि यह आयत इस बात की दलील है कि ईमान कोई जामिद किस्म की चीज नहीं बल्कि इसमें कमी बेशी होती रहती है, जैसा कि मुहद्दिसीन का मसलक है. और वो ये भी कहते हैं कि इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि इब्तिला मुसीबत के वक्त अहले ईमान का शेवा अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल होता है. इसीलिए हदीस में भी है, हदीस में हस्बुनल्लाह व नियमल वकील पढ़ने की बड़ी फजीलत आई हुई है. सही बुखारी में के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने कहा इन्ना नास कद जमाउ लकुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हस्बुनल्लाह व नियमल वकील. और जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डाला जाना लगा तो उनकी जुबान पर भी यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाह व नियमल वकील. अल्लाह ताला ने इस कलिमे की खैर और बरकत से आपको हुक्म दिया या नारुकुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा. मेरे कैफ इस आयत के मुताल्लिक, इसके शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल से मुताल्लिक मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं कि एक राय तो यह है कि ये जो बात मुशरिकों ने फैलाई थी गलत अफवाह, ग़ज़वा हमराउल असद जंगे उहद में मुसलमानों को जानी और माली नुकसान हुआ, उसके बाद अबू सुफियान वहां से जाते हुए कह के चले गए कि अगले साल फिर बद्र के मुकाम पर भी एक मुकाबला होगा. फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुशरिकीन के हक में बद्दुआ की तो कहत सारी आई, इसके नतीजे में उनका बड़ा बुरा हाल था. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल किया और सहाबे किराम को लेके बदर के मकाम पर पहुंच गए, जिसको बदर सुगरा कहा जाता है. तो उस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब ने कुछ माली मुआवजा देकर बाद लोगों की खिदमत हाजिर की और उन मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने अहले ईमान को हरासा करने, उनके हौसलों और हिम्मतों को पस्त करने के लिए अफवाह फैलाई कुरैश नए साजो सामान के साथ. इतनी बड़ी फौज और एक लश्कर जर्रार की तैयारी कर रहे हैं कि जो सारे अरब भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते. जब ये खबर मदीने में पहुंची तो खबर जाए इससे कि मुसलमान पस्त हिम्मत हो जाते हैं, हौसला शिकन हो जाते हैं, उनके अंदर खौफ और हरास पैदा कर दी. ये खबर उनके अज़्म ईमान को बढ़ाने का सबब बन गई. फजादत हम ईमाना,
और एक रिवायत में ये भी है कि जिस शख्स को हजरत अबू सुफियान ने कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा किया था वो नईम बिन मसूद था। बल्कि इससे मालूम हुआ कि ईमान बढ़ता है, उसमें इजाफा होता है, क्योंकि आयत सराहत के साथ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, इस खबर के मिलते ही उनके वलवले, उनके जोश, उनके अजम, उनके ईमान में इजाफा हुआ और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। दूसरी आयत जिसका तज़किरा उस ईमान के बढ़ने और घटने के ताल्लुक से सूरह अल-फतह की आयत नंबर 4 है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وهي جسنا أهل إيمان کی دلوں میں سکینت اور طمانینت اتاری تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزونی اور ترقی ہو۔ इस आयत के मुताबिक मोहम्मद अल मुख्तार शंकिती साहिब अदवा अल बयान लईदा अल कुरान अल कुरान वो कहते हैं कि ईमान, ये आयत इस बात का पक्का सबूत है, बईन सबूत है कि ईमान में इजाफा होता है। इसी तरह दीगर मुतअद्दिद आयत से भी ये बात बखूबी साबित होती है। ये आयत दरअसल सुलह हुदैबिया के मुताबिक, मतलब यह कि एक ईमान तो वो था जो मुसलमानों को सुलह हुदैबिया की मुहिम से पहले हासिल था और उस पर मजीद ईमान इसलिए हासिल हुआ कि सुलह हुदैबिया की मुहिम के सर करने में जितनी शदीद किस्म की आजमाइशों से उन्हें गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उनमें मजीद इखलास पैदा हुआ, तक्वा पैदा हुआ, इताअत के जज्बात उनके अंदर पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनको इस मौके पर साबित कदम रखा। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह पर मुसलमा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मोमिन को मरते दम तक कदम कदम पर आजमाइश इम्तिहानात से साबिका पड़ता रहेगा। अगर इब्तिला इम्तिहानात और आजमाइशों के ऐसे कठिन हालात में मोमिन अपने मफादात की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, जज्बात की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, माल दौलत की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, अपने औकात की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, बल्कि अपने ख्वाहिशात तक की कुर्बानी देने के लिए जब तैयार रहता है तो उसके ईमान में यकीनन तरक्की होती है, उसके ईमान को बालिदगी नसीब होती है, तरोताजगी नसीब होती है। और अगर वही शख्स अपने मफादात की कुर्बानी देने के बजाय, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देने के बजाय रुगर्दानी का रवैया अख्तियार कर ले तो उस शख्स का ईमान ठिठर कर सुखड़ कर रह जाता है। बिलाखिर एक वक्त ऐसा भी आता है बुराई करते करते गुनाहों में मुलव्वस होते होते उसका इब्तिदाई ईमानी सरमाया भी खतरे में पड़ जाता है जिसे लेकर इस्लाम में दाखिल हुआ था। बहरकर दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, शारिह बुखारी फजीलत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल सत्तार अल हम्माद हफिज़हुल्लाह कहते हैं सूरह फतह की इस आयत करीमा से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मौकिफ की ताईद होती है कि ईमान कोई जामिद या साकिन चीज नहीं है, ईमान बल्कि इसमें तरक्की भी होती है और कमी भी आती है। अगर ईमान कोई जामिद शय होती तो उस तरह के इम्तिहानात के कतन जरूरत ही नहीं थी। बरकैफ अल्लाह आपको सबको खुश रखे। ये वाकया मारूफ है, मशहूर है सुलह हुदैबिया का और इसको सीरत की किताबों में आप तमाम भाई जरूर पढ़ें, इससे आपका और हमारा ईमान ताजा होगा। तीसरी आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 है।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يا آخر الآيات اصل مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں جب وہ ان پر اللہ کی کتاب کے آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں امام سیوطی کی ایک کتاب ہے الدر المنثور تو اس کتاب میں انہوں نے امام مجاہد کا ایک اس آیت سے متعلق قول نقل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ایمان قول عمل کا نام تو بہر کیف اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے دلائل کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں یقین اور تصدیق کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایسے ہر موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت ختم کر دے تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہر موقع پر جب کہ آدمی کی مرضی کے خلاف اس کے رائے اور تصورات کے خلاف اس کے نظریات کے خلاف اس کے مانوس عادتوں کے خلاف اس کی لذت اور آسائش کے خلاف اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی کوئی ہدایت ملے کوئی حکم نامہ آ جائے اور حق واضح ہو جائے تو آدمی اس کو مان کر فرمان الہی اور پیغام رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں جو بھی تکلیف ہو تو اس کو برداشت کر لے تو اس سے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس سے مومن آدمی کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اس کے ایمان کو بالغی نصیب ہوتی ہے اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کرنے سے اطاعت کرنے سے گریز کرتا ہے دریغ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن اور جامع چیز نہیں ہے تصدیق اور عدم تصدیق کا بس ایک ہی مرتبہ نہیں کہ آدمی نہ مانے تو بس ایک ہی نہ ماننا رہا اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا بلکہ ایمان اور کفر تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشوونما کی صلاحیت موجود رہتی ہے اس طرح ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے بڑھ بھی سکتی ہے ٹھیک اسی طرح ہر اقرار اور تصدیق اور ہر عمل میں ارتقا بھی ہو سکتا ہے تنزل بھی ممکن ہے تو بہر کیف ساتھیو اب چلیے چوتھی آیت کی طرف یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھتا رہے تو اس آیت کی تفسیر اس آیت کی تشریح میں فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار الحماد ہدایت القاری میں لکھتے ہیں کہ جب بندے مومن ہر آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے شک کو انکار یا اعتراض سے فرار یا دین سے بے وفائی کا راستہ چھوڑ کر یقین و اعتماد فرما برداری اور دین سے وفاداری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسے شخص کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے تر و تازگی نصیب ہوتی ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے حالات میں اس کا ایمان تقلیدی نہیں بلکہ اعلیٰ وجہ بصیرہ ہوتا ہے اس طرح کا حقیقی ایمان جب پورے جذب و سوق کے ساتھ اختیار کیا جائے تو ہر آزمائش اس ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے اس کے برعکس جس کا ایمان تقلیدی ہو دیکھا دیکھی والا ایمان ہو تو اس کے جڑیں مضبوط نہیں ہوتی بلکہ معمولی سی باتیں مخالف اسے ہلا کر رکھ دیتی ہیں اس آیت میں بھی ایمان کی افزونی اور اضافے کا ذکر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا اور مقصود ہے معلوم ہوا
कि ईमान घटता भी और बढ़ता भी है, ईमान में इजाफा भी होता है तो कमी भी होती है, ईमान में इंहितात होता है तो तरक्की भी होती है। आयत नंबर 5 सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह का फरमान है, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون। जब कोई नई सूरत उतरती है तो उनमें से बाज लोग वो हैं जो पूछते हैं यानी मुनाफिकों में से कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया। तो जो हकीकी अहले ईमान होते हैं वो सूरत उनके ईमान में इजाफा करती है और उससे दिलशाद होते हैं। तो मालूम यह हुआ कि आयत के पहले से में मुनाफिकीन के जो जहर आलूद तंजिया फकरे हैं उसका बयान है, दूसरे हिस्से में उसका जवाब है कि जब सच्चे अहले ईमान कुरान मजीद की किसी नए सूरत को सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं कि रहमत इलाही की एक और घटा बरसी और उनके ईमान में तरक्की होती है और इजाफा होता है। तो मेरे दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, दर हकीकत कुरान करीम का हर हुक्म अहले ईमान के लिए मैदान मुसाबकत खोल देता है। जब वो उस मैदान की बाजी जीत लेते हैं तो उनकी कुव्वत में कुव्वत ईमानी में मजीद दूसरे मैदान जीतने के लिए एक नया जज्बा, नया वलवला, नया अज़्म, नया हौसला पैदा होता है, यहाँ तक कि वो दर्जा बदर्जा सआदत और खुशबख्ती की आखिरी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। इसके बरक्स अहले निफाक एक महरूमी के बाद दूसरी महरूमी, एक पसपाई के बाद दूसरी पसपाई, एक जिल्लत के बाद दूसरी जिल्लत, एक शिकस्त के बाद दूसरी शिकस्त, इस तरह सहते सहते ईमान यकीन की आखिरी रमक से भी बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। मालूम हुआ कि इस आयत करीमा में भी ईमान के इजाफे का सराहत के साथ जिक्र है, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसूद है और उनका मौकिफ भी यही। इस आयत के ताल्लुक से अल-कश्शाफ, साहिब अल-कश्शाफ जो ज़मख़शरी के नाम से मशहूर है, ये बहुत बड़ा अरबी दान था लेकिन ये अकीदे, इससे ईमान और अकीदे के मसाइल सीखे नहीं जाते, लेकिन चूंकि इस आयत में उसने सही बात की है तो इसलिए उसके मौकिफ को वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उनके ईमान और सबात में इजाफा हो गया और इस यकीन और सबात ने उनके अमल को भी बढ़ा दिया और अमल में इजाफा दर हकीकत ईमान में इजाफा है। मालूम हुआ कि ईमान अकीदा और अमल ही का दूसरा नाम है। आखिरी और छठी आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 है, इसी तरीके से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 12 है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 में अल्लाह का फरमान है, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ अल्लाह व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानहु व तस्लीमा। जब अहले ईमान ने लश्करों को देखा तो कहने लगे यही तो वो चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा कर रखा था। अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा और इस चीज ने उनके ईमान और इताअत में और इजाफा कर दिया। मशहूर मुफस्सिर कुरान जिनकी कुरान की तफसीर ऐसर तफासिर है, अबू बकर जाबिर अल-जज़ायरी कहते हैं कि ईमान और शौक इताअत में इजाफे का मतलब यह है कि वह अल्लाह के वादे की तस्दीक और उसके हुक्म को बरज़ा और अब तस्लीम करने में मजीद बढ़ गए, अल्फाज दीगर उनके ईमान और अमल में इजाफा हुआ। तो यह आयत भी साबित कर रही है कि ईमान में इजाफा और कमी होती है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 में अहले ईमान का रवैया बयान किया गया और इससे पहले सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 12 में अहले निफाक और हासिदीन के किरदार का जिक्र किया गया था। वही देखो المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا। उन्होंने मुनाफिकीन और दुश्मनों ने
मुशरिकीन के लश्कर का जो हुजूम देखा तो शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने कहा अल्लाह और रसूल की तरफ से जो हमसे वादे किए गए थे वो सब फरेब और धोखे साबित हुए। लेकिन उनके मुकाबले में अहले ईमान का जो तासुर था वो दूसरी चीज थी। जब उन्होंने खुद को दुश्मनों के धरने में देखा तो अपने साथियों को तसल्ली दी, ये तो वही इम्तिहान हमें दरपेश है जिसके अल्लाह और उसके रसूल ने पहले से खबर दी थी। फिर इस इम्तिहान ने उनके अंदर कोई कमजोरी पैदा करने के बजाय, उनके हौसलों को पस्त करने के बजाय, उनकी हिम्मतों को तोड़ने के बजाय इताअत और इताअत के जज्बे में मजीद कुव्वत पैदा की, उनके ईमान में इजाफा हुआ। राह हक में जो भी आजमाइशें आती हैं, इम्तिहान आते हैं, इब्तिलात आते हैं, तो जिस तरह कमजोरों के खोट को नुमाया करके रख देते हैं, मुनाफिकीन के निफाक को खोल कर रख देते हैं, उसी तरह से सादिकीन के सच्चाई को भी जिला बख्शती हैं। इस आयत करीमा से भी मालूम हुआ ईमान कोई साकिन या जामी चीज नहीं है कि उसकी तस्दीक और इकरार या तकदीर और इनकार एक ही मरतबा और मकाम पर हो, बल्कि इसमें इन्हिदात और इर्तिका के सलाहियत हर सूरत में मौजूद रहती है। अहले ईमान ने ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर 10,000 की फौज एक सैलाब की शक्ल में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी तो देखकर उनका ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ, उनका ईमान मुतज़लज़ल होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अल्लाह ताला की फरमाबरदार से भाग निकलने के बजाय वो ज्यादा यकीन और इत्मीनान के साथ अपना सब कुछ लुटाने के लिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, आमदा हो गए। मेरे दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, एक हकीकत यहां अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। दुनिया की जिंदगी में हर हर कदम पर आदमी के सामने ऐसे मौके आते हैं जहां दीन या तो किसी चीज का हमें हुक्म देता है या किसी चीज से मना करता है, या जान और माल और वक्त और ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानियों का मुतालबा करता है। ऐसे हर मौके पर जो शख्स इताअत से इन्हराफ करेगा तो उसके ईमान और तस्लीम और खुद सफर्दगी में यकीनन कमी वाकई होगी, और जो शख्स भी दीन के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर देगा उसके ईमान और तस्लीम में इजाफा होगा। तो मालूम तमाम आयात से मालूम हुआ कि ईमान कोई साकिन और जामिद हालत नहीं है जो बस एक ही मकाम पर ठहरी रहती हो, बल्कि उसमें तनज्जुल और इर्तिका दोनों के इम्कान मौजूद रहते हैं। खुलूस और इताअत में कमी उसके तनज्जुल का सबब बनती है, यहां तक कि एक शख्स पीछे हटते हटते ईमान के उस आखिरी सरहद पर पहुंच जाता है जहां से एक सरे मुंह भी तजावज कर जाए तो मोमिन के बजाय मुनाफिक हो जाए और असल ईमान ही से हाथ धो बैठे। इसके बरक्स खुलूस जितना ज्यादा कामिल होगा, इताअत जितनी ज्यादा मुकम्मल होगी, दीन हक की सरबुलंदी की लगन और मगन जितनी बढ़ती जाएगी, ईमान उसी निस्बत से बढ़ता चला जाएगा, उसमें इजाफा होगा, उसमें तरक्की होगी, उसको बारीकी नसीब होगी। यहां तक कि आदमी ईमान की इस हालत और कैफियत में तरक्की करते करते सिद्दीकियत के मकाम पर पहुंच जाता है। सिद्दीक अकबर की मिसाल हमारे सामने मौजूद है शाहिद अदल के तौर पर। बरकत दीनी भाइयों, ये कुरान मजीद की 6 आयतें ईमान में कमी बेशी के दलायल की पहली किस्म में डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह ने जिक्र की थी, वो हमने आपके सामने रखा। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और हमें सच्चा ईमान नसीब फरमाए, खालिस अकीदा नसीब फरमाए, जिंदगी भर अल्लाह ताला हम सबको इस्तेकामत नसीब फरमाए, इसी अकीदे पर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर हमारे और आपका खातिमा फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।